तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ऑनर एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ऑनर 90। अब यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफी समय पहले चाइना मार्केट में लॉन्च किया गया था, और उसके लॉन्च के कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो रियलमी के सीईओ थे माधव सेठ, वो यहाँ पर रियलमी को छोड़ करके ऑनर में शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पर फाइनली अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑनर 90 स्मार्टफोन इसी महीने यानी कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। अब वैसे तो यहाँ पर ऑनर 6 से 7 साल पुरानी पहले जो वो इंडिया स्मार्टफोन मार्केट में फोन को लॉन्च किया करता था, बट अब 6 से 7 साल का गैप लेने के बाद में फाइनली फिर से कम बैक कर रहा है। तो स्मार्टफोन काफी तगड़ा लॉन्च करेगा और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ऑनर का 90 स्मार्टफोन होगा, इसके अंदर में आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, किस प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि जो कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। अब देखिए, यहाँ पर ऑनर 90 स्मार्टफोन की बात करें तो ये क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, यानी कि अब तक जितने भी आपने कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन देखे होंगे ना, वो टू साइड से कर्व आते हैं दोनों साइडों से, बट ये चारों साइडों से कर्व डिस्प्ले के साथ में आने वाला है। तो डिस्प्ले इसका काफी तगड़ा रहने वाला है और डिमिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी इसके साथ में देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा 6.7 इंच का क्वाड कर्व फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर आपको कोर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 3840 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको PWM डिमिंग देखने को मिलने वाला है। इतनी तगड़ी डिमिंग आज तक किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में नहीं आई थी, जो कि यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने वाला है। 1600 हर्ट्ज की निट्स की जो वो पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले ब्राइट भी काफी ज्यादा होने वाला है, काफी पंचे कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कंटेंट वॉचिंग में मूवी वगैरह देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो मे बी वहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्वाड कर्व डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि कर्व डिस्प्ले में गेमिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर आप इतनी अच्छी गेमिंग इसके अंदर में नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं ना ऑटो टच को, तो यहाँ पर आप गेमिंग भी काफी अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जब आप स्मार्टफोन को इस तरह से होल्ड करते हैं यानी ग्रिप करते हैं, तो वहां पर आपके स्मार्टफोन से हाथ जो है टच होता रहता है, इस वजह से गेमिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कवरेज फिलहाल स्मार्टफोन के अंदर में। पीछे के तो डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर पीछे भी आपको काफी कमाल का डिजाइन मिल जाएगा, बैक ग्लास डिजाइन के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है। ऑनर की ब्रांडिंग ट्रिपल ईयर कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा भी यहाँ पर काफी तगड़ा होने वाला है, जो प्राइमरी कैमरा होगा वो 200 मेगापिक्सल का होगा, एंड इसी के साथ में 8 MP अल्ट्रावाइड 2 MP मैक्रो कैमरा इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ में आना वाला है, जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि AI फोकस के साथ में आएगा, एंड यहाँ पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। तो जो लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनके लिए स्मार्टफोन काफी सही रहेगा। वैसे आपकी क्या राय है ऑनर के 90 स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देगा। बाकी स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी प्रीमियम लेवल की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। इसका अंतिम स्कोर अराउंड 7 लाख के आसपास निकल करके आ जाता है, तो गेमिंग यहाँ पर आप काफी अच्छी कर सकते हैं। इसी के साथ में इसके अंदर में आपको LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी, UFS की 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसका जो बेस वेरियंट होगा वो 8 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ में आने वाला है। चाइना मार्केट में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया तो 29,200 रुपये में लॉन्च किया गया था इंडिया करेंसी के हिसाब से, और इंडिया में भी मे भी हो सकता है कि इसी प्राइस पर या फिर इससे कम प्राइस पे भी आ सकता है, क्योंकि ये पहला स्मार्टफोन रहेगा ऑनर की तरफ से आने वाला काफी लंबे समय के बाद में। तो हो सकता है कि ऑनर स्मार्टफोन को 27,000 रुपये या फिर 26,000 रुपये में लॉन्च कर दे तो बेटर रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो रियलमी का 11 Pro Plus स्मार्टफोन है वो 28,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाता है कर्व डिस्प्ले के साथ में, एंड 200 मेगापिक्सल वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर उसको कम्पीट करना है तो कम प्राइस पे लॉन्च करना पड़ेगा, और ऑनर जो वो काफी समय से इंडिया मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से काफी कम लोग इसको बाय करेंगे। तो उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मे बी इसकी प्राइस जो वो काफी कम हो सकती है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं इंडिया लॉन्च के लिए। इसका हाईएस्ट वेरियंट जो होगा दोस्तों 12 GB RAM प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, एंड इसका एक बीच का वेरियंट 8 GB RAM प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में भी आने वाला है। बैटरी वगैरह की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर में आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 80 W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर में ही दोस्तों देखने को मिलने वाला है। लॉन्च डेट की बात करें तो फिलहाल तो इसका अमेजोन पर आप टीजर चेकआउट कर सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने टीजर देख भी लिया होगा। ये स्मार्टफोन की अगर लॉन्च डेट की बात करें तो उसके बारे में ऑनर ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं कराया, बट लीकर्स की तरफ से डेट आ चुकी है 7 सितंबर को स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा इंडिया मार्केट में ऑनर की तरफ से। तो वैसे आपकी क्या राय है, क्या आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।